क्योंकि अल्लाह जो है ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी ने बहुत ही ज़्यादा गुनाह कर दिया, जो जिसने जैसे हदीस में मिलता है के ताल्लुक से कि एक आदमी ने 99 कत्ल कर दिए, या दुनिया के अंदर किसने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, बड़े बड़े जो है उसने अंदर बड़े बड़े गुनाह कर दिए, जो उसको लगता है कि जो बख्शे गए नहीं, इंसान नहीं बख सकता तो अल्लाह भी नहीं बख्शेगा, उसके ताल्लुक से भी मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 2766 कि बनी इसराइल में एक शख्स था और उसने 99 कत्ल किए, लेकिन फिर उसको लगा कि यार मैंने वाकई बहुत गुनाह कर दिए और मैंने इतने गुनाह कर दिए, इतने लोगों का कत्ल कर दिया, अब क्या मेरी जो है तौबा होगी कि नहीं। तो उनने एक आलिम के पास गया और जाकर उन्होंने कहा क्यों मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी जो है तौबा अल्लाह कबूल करेगा। तो उस शख्स जो है आलिम ने कहा कि नहीं, तुम्हारे 99 कत्ल तुमको कैसे बख्शा जाएगा, तुमको अल्लाह नहीं बख्शेगा। तो उसने जो है उसको भी कत्ल कर दिया, तो उसने 100 कत्ल कर दिए। लेकिन उसके बाद किसी के पास में गया तो उन्होंने कहा कि तुम फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ के लोग नेक लोग हैं, तो वहाँ जाकर उनसे मसला तलब करो, वहाँ पे जो है बड़े उलमा हैं उनसे पूछो जाकर, तो वो जो है तुमको बताएंगे और अल्लाह जो है तुमको माफ़ कर देगा, क्यों नहीं करेगा। तुम वहाँ चले गए ताकि आइंदा तुमसे गुनाह ना हो, क्योंकि वहाँ नेक लोग रहते हैं। तो बंदा तौबा की तरफ जो है पलटा और गया, लेकिन रास्ते में ही उसको मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, उसकी जो मौत हो गई। अब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए दोनों फरिश्ते आ गए, जो रहमत के फरिश्ते भी आ गए और जो है अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए। दोनों फरिश्ते उसकी जो है, अब वो फरिश्ते जो आपस में जिदाल करने लगे कि इसकी रूह को हम ले जाएंगे, क्यों, बोले गुनाहकर्ता ने 100 कत्ल किए। लेकिन वो रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि हम ले जाएंगे इसकी रूह, क्यों, क्योंकि इसने जो है ये तौबा की तरफ जा रहा था और ये जो है माफ़ी मांगने के लिए जा रहा, तौबा इसने कर ली थी, उधर जा रहा था, निकी की तरफ जा रहा था। तो फिर वहाँ पर एक और फरिश्ता आता है और कहता है कि एक काम करो, इस जगह के नाप लो जहाँ से ये निकला है और इस बस्ती की तरफ, अगर जिसकी तरफ इसकी ज़मीन ज़्यादा कम हुई कि जिस तरफ इधर जो है कम हुई तो फिर इसको रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे, इधर ज़्यादा हुई तो इसको अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। फिर नापा गया तो उसमें ताल्लुक से आता है कि जो है अल्लाह ने उस ज़मीन को जो थोड़ा वसी कर दिया, यानी वो उधर की उसको कर दिया कि इधर ये ज़्यादा चला गया था, उसके बाद में जो उसको रहमत के फरिश्ते फिर उसको ले गए। यानी तो इतनी भी अगर किसी ने गुनाह किए, यानी इतने सारे भी अगर किसी ने गुनाह किए, वो सच्ची तौबा अगर वो अल्लाह से करता है तो अल्लाह उसको माफ़ करता है।